kill two birds with one stone, or we can say that free two birds with one kill. ये प्रोवर्ब तो आप लोगों ने सुना होगा, but what is the meaning of this proverb? The meaning of this proverb is to achieve two things by doing single actions. इसका मतलब है कि एक तीर से दो निशाना, या फिर आप कह सकते हैं एक पंथ दो काज. So today I'm sitting here with a little champ, Mr. Ronak. और आज हम दोनों यहाँ पे बैठे हैं एक तीर से दो निशाना लगाने के लिए. एक तीर से दो निशाना लगाने के लिए मतलब कि आज हम लोग एक वीडियो क्लिप के थ्रू हम आप लोग का दो डाउट क्लियर करने वाले हैं. सो जिस टॉपिक ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं रौनक, वो हम लोग का टॉपिक क्या है? टुडे वी विल टॉक अबाउट नीड वर्सेस सूड. एग्जैक्टली, यू हर्ड राइट. टुडे वी विल टॉक अबाउट द नीड वर्सेस सूड. नीड का भी यूज हम कब करते हैं? इन द सेंस ऑफ चाहिए. शुड का भी यूज हम कब करते हैं? इन द सेंस ऑफ चाहिए. बट दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों का यूज हम कैसे करते हैं, आज वीडियो क्लिप में हम बताएंगे. सो नीड हम लोग कब यूज करते हैं और शुड यूज कब करते हैं? सर, वी यूज नीड व्हेन वी डू नॉट टॉक अबाउट एक्शन, एंड वी यूज शुड व्हेन वी टॉक अबाउट एक्शन. नीड का यूज़ हम तब करते हैं जहां हम काम की बात नहीं करते हैं, और शुड का यूज़ हम वहां करते हैं जहां हम काम की बात करते हैं. दोनों को आइडेंटिफिकेशन क्या है? चाहिए. तो नीड का मैंने अभी जस्ट इन्होंने कहा कि यहां पे हम लोग काम की बात नहीं करते हैं. सर, यहां पे हम लोग काम की बात नहीं करते हैं तो किस चीज़ की बात करते हैं? तो यहां पे हम लोग बात करेंगे ऑब्जेक्ट्स की, यहां पे हम बात करेंगे नाउन की. जैसे मुझे बॉटल चाहिए, मुझे चेयर चाहिए, मुझे पेन चाहिए. तो जब हम ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं, नाउन की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम लोग क्या यूज़ करेंगे? नीड. बट यही जब हमें आपको या किसी तीसरे पर्सन को जब कोई काम करना चाहिए, क्या जब कोई काम करना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, दौड़ना चाहिए, खेलना चाहिए, नहाना चाहिए, धोना चाहिए, बैठना चाहिए, बर्तन मारना चाहिए, झाड़ू लगाना चाहिए, पोछा मारना चाहिए, दरवाज़ा बंद करना चाहिए, दरवाज़ा खोलना चाहिए, बहुत सारे वर्क्स हैं. तो जब हमें आपको कोई काम करना चाहिए तो वहाँ हम लोग क्या यूज़ करेंगे? शुड. और जब हम वहाँ पे काम की बात नहीं करेंगे तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे? नीड. ओके, फॉर एग्जांपल, आई एम गोना जस्ट गिव यू सम सेंटेंसेस इन हिंदी एंड यू विल हैव टू जस्ट ट्रांसलेट इट इन इंग्लिश. आर यू रेडी? ऑलराइट देन. मुझे झाड़ू चाहिए. आई नीड ब्रूम. आई नीड ब्रूम. मुझे खाना चाहिए. आई नीड फूड. तुम्हें टहलना चाहिए. यू शुड वॉक. यू शुड वॉक. हम लोग को मूवी देखना चाहिए. वी शुड वॉच मूवी. हम लोग को फल खाना चाहिए. वी शुड ईट फूड. हमें फल चाहिए. वी नीड फूड. We need fruits. तुम्हें टी-शर्ट पहनना चाहिए. You should wear t-shirt. You should wear t-shirt. मुझे चेयर चाहिए. I need chair. मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए. I need your help. मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए. I need your love. Okay. मुझे तुम्हारा साथ चाहिए. I need your support. तुम्हें बर्तन धुलना चाहिए. You should do dishes. हम लोग को सुबह एक्सरसाइज करना चाहिए. We should exercise in the morning. You should do exercise in the morning. ओके, हम लोग को वीडियो लाइक करना चाहिए. वी शुड लाइक वीडियो. ओके, मुझे फोन चाहिए. आई नीड फोन. मेरे पापा को पैसा चाहिए. माई फादर नीड्स फोन. माई फादर नीड्स फोन. जब मैं बोला मेरे पापा को फोन चाहिए तो ये क्या बोले? माई फादर नीड्स फोन. यहाँ पे क्या हो जाएगा? जब हमारा सब्जेक्ट लाइक ही, सी, इट, नेम या सिंगुलर रहेगा तो वहाँ पे हमारे नीड की जगह क्या हो जाएगा? भाई को इंग्लिश बुक चाहिए. My brother needs English book. Okay. मुझे English book चाहिए. I need English book. मेरे पापा को पैसा चाहिए. My father needs money. मुझे helmet चाहिए. I need helmet. मुझे socks चाहिए. I need socks. Okay, then that's great. आप तो यार सब बता रहे हो. Alright, then tell me like what should we do? Yeah, we should drink water and we should eat like fruits and food. We should also drink water and milk. Okay. We should also drink and water and milk. All right then. हमें पैसा कमाना चाहिए. We should earn money. हमें वीडियो लाइक करना चाहिए. We should like video. हमें वीडियो शेयर करना चाहिए. We should share video. Okay. हमें आपका साथ चाहिए. I need your support. हमें आपका सपोर्ट चाहिए. We need your support. We need your support then. Bye bye.